देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दया कीजिए आप लोग, इस मासूम जानवर को इस तरह से मारिए मत। देवी माँ को खून अर्पण करना है तो मेरा कर दीजिए। लेकिन इसको छोड़ दीजिए ना, इसको मत मारिए। ये तो मेरे आंचल के नीचे छुपा हुआ था अपनी जान बचाने के लिए। बड़ी बहू, देवर जी आप चिंता मत कीजिए, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। लेकिन वो क्या है और कौन बताएगा? माँ, चक्रवर्ती महाशय, तो फिर समस्या का कोई समाधान न निकाल कर अनायास ही अपने लोगों में भय को क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं तो यहाँ पर एक सामान्य सा निमंत्रित अतिथि हूँ। इससे ज्यादा मेरे लिए सच में कुछ बोलना अनुचित होगा, है ना? राजचंदर जी। विद्यालंकर महाशय, बताइए। सुनो, मैं विश्वास करता हूं ईश्वर करुणामय है, वो बिना किसी कारण के किसी को दंड नहीं देते हैं। जब तुम्हारी पत्नी का उद्देश्य शुभ था, तब निश्चय ही कोई भी अनर्थ नहीं होने वाला है, इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करना। याद रखना, विश्वास, विश्वास से काम बनता है, तर्क करने से बिगड़ता है। और अब प्रणाम। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय जय रघुवीर, जय जय रघुवीर, जय रघुवीर। सुना है आपके यहाँ बलि देने वाले की जरूरत है, बलि में कोई रुकावट आई थी क्या?
कैसा प्रकाश है? क्यों लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है जिससे सबका भला हो जाएगा? मुझे तो तुम बलि देने वाले नहीं लगते। कौन हो तुम? किसने खबर दी है तुम्हें? हाथ में कमल का फूल लेकर बलि देने आए हो? बाहर लोगों से सुना मैंने, यहीं पर बाहर बात कर रहे थे तभी सुना मैंने। तो मालिक, अगर अनुमति हो तो ये कमल के फूल मां के चरणों में अर्पण करूं? ससुर महाशय, तो विद्यालंकार जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है या कद्दू गन्ना इन सब की बलि देनी होगी? इसमें कोई हानि तो नहीं है? और जब बलि देने वाला खुद उपस्थित हुआ है? पंडित जी, आप कुछ राय दीजिए। लगता है मां की यही इच्छा है। सारा दोष हटा देना, किसी अमंगल का साया इस परिवार पर ना पड़े। माँ ठकुराई, माँ तो मंगलमयी है, जगत जननी। क्या वो अपने बच्चों का अमंगल कर सकती है? उल्टा वो तो अपने 10 हाथों से, सारी अशुभ शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। मां, ओ मां, मां। मां, ओ मां, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मां जागो, जागो मां, जागो। इन सबको आशीर्वाद दीजिए मां, आशीर्वाद दीजिए। अचानक तूफान क्यों आ गया? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मां। डरना नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। मां आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है। इस दास परिवार और मानना परिवार दोनों पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है रघुवीर? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आए हैं? अकाल बोधन के समय जैसे हुआ था, महामाया को जागृत करने के लिए आप आए हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ? इशारा कीजिए भगवान, इशारा कीजिए।
कमल का फूल? कमल का फूल कहाँ से आया? जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय माँ। ढोल बज रहे हैं तो फिर क्या? छोटी बहू, माँ दुर्गा ने हमें कृपा दृष्टि दी है। छोटी बहू, माँ दुर्गा ने हमें कृपा दृष्टि दी है। पता है बहू, पता नहीं कहाँ से एक बलि देने वाला आया। वो विद्यालंकार महर्षि की राय के अनुसार बहू, ये क्या कमल का फूल तुम्हें कहाँ से मिला बहू? जो बलि देने वाला आया है वो कमल का फूल लेकर आया था, लेकिन तुम्हें कमल का फूल कहाँ से मिला बहू? मैं उस बलि देने वाले से मिलना चाहती हूँ एक बार। आप आए हैं सारी मुश्किलें आसान करने के लिए। छोटी बहू, छोटी बहू सुनो, सुनो मत जाओ वहां। छोटी बहू सुनो, बहू सुनो, चले गए आप? दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे। बलि देने वाला कहाँ है? प्रीतराम, क्या वो चला गया? सच में? अजीब बात है, अचानक से वो आया और बिना बताए चला भी गया। ससुर महाशय, उसे मैंने दान या बख्शिश कुछ भी नहीं दिया। वो चले गए बिना मुझे दर्शन दिए, चले गए वो। छोटी बहू, ये कमल का फूल ये तो माँ के चरणों में अर्पण था, तुझे कहाँ से मिला? हाँ समझ गई, माँ जगत जननी। किसी का नुकसान नहीं करती है, किसी का नहीं। माँ मंगलमय है, सारे अमंगल को हटाकर हमें आशीर्वाद दिया है। माँ, ओ माँ, माँ ने तेरी पुकार सुन ली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था छोटी बहू, तू मुझे माफ कर दे। पता है छोटी बहू, माँ ने तेरी पुकार सुन ली। हाँ Thank you.
विराट गायत्री छंद महाबाम देवरी शय शांति कर्म जपे विनियोग ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रोवा स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ट रेमि बृहस्पति दधातु ओम द्रौ शांति। सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें माँ। आप सबका ध्यान रखना, एक बार दुर्गा के रूप में और एक बार लक्ष्मी के रूप में सबको आशीर्वाद देना, सबका मंगल करना। सारी जिंदगी ऐसे ही माँ लक्ष्मी की तरह इस घर को परिपूर्ण रखना। देखा छोटी बिटिया, बहू के ढंग देखे। बुरा मत मानना, मायके से तो खुद कुछ भी सामान नहीं लेकर आई और यहाँ दान धर्म कर रही है। सही कहा आपने, किसी को इस बहू के मायके से कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली और अब राजरानी बनके दान कर रही है। मैंने तुम सबको क्यों बुलाया है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले जरा छोटी बहू को आने दो, मैं तुम लोगों के सामने उसे कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो देखो, आओ मां, आओ मां, मां लक्ष्मी पधारो, आओ। अच्छा सुनो तुम लोग, इस साल मैंने एक नया निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं इस पूजा के बाद घर के सारे लोग हमारी मां लक्ष्मी के हाथों से कुछ ना कुछ प्राप्त करें। मां अपने हाथों से तुम सभी को कुछ ना कुछ देगी। तुम्हारे पवित्र हाथों से सिर्फ गरीबों को ही दान क्यों मिलेगा? इस परिवार के सारे लोग, इस घर के सारे लोग, उन्हें भी ये सौभाग्य क्यों न मिले? प्रीतराम, एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है। ये फैसला तुमने लिया क्यों? इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्या कारण है? मां,
इस विषय में तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? कुछ बोलना है तुम्हें? जाओ माँ जाओ, तुम महल में जाओ, तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम राज रानी जैसे घर के सारे लोगों को ये भेंट थमा दो। अच्छा, छोटी बहू के नाम पर किसी ने कुछ कहा है क्या? इसलिए आप छोटी बहू के हाथों से माया, लक्ष्मी पूजा की शाम को जब बहू खुद के हाथों से गरीबों को कुछ न कुछ दान दे रही थी, तब मैंने उसके अंदर फिर से उस देवी की कल्याणकारी मूरत को देखा था। लक्ष्मी रूपेण सनस्थिता, लक्ष्मी रूपेण सनस्थिता। लेकिन उसी शाम को मेरे कानों में बहुत सारी आलोचना भी आई थी। बहू के मायके से भेजे गए सामान को लेकर बहुत से लोगों के मन में असंतोष है। उन लोगों ने आलोचना की है कि छोटी बहू यहाँ राज रानी की तरह मिठाइयों का दान कर रही है, लेकिन उसके मायके से कुछ भी उचित सामान नहीं भेजा गया था। और वैसे किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि छोटी बहू के मायके की आर्थिक हालात क्या है। जो लोग कमियां निकालते हैं, क्या उनके मुंह तो बंद कर पाएगा प्रीतराम? नहीं बुआ जी, उनका मुंह इस बार मैं बंद करवाऊंगा। हर बार सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद मुझे समझ में आता है कि छोटी बहू ने जो कुछ भी किया सबके हित के लिए किया। उसके हाथों से आज दान प्राप्त करके सबका मुंह बंद हो जाएगा। जिसे जो कुछ चाहिए उसे वही मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो मेरी मां लक्ष्मी के हाथों से ही। घर संसार बड़ी विचित्र जगह है छोटी बेटिया। जिस बहू ने बलि में रुकावट डाली, अष्टमी के दिन अंडा खाया, उसे तो कोई सजा नहीं मिली, उल्टा वो लक्ष्मी बनकर लोगों को दान धर्म कर रही है। बुरा मत मानना, मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा है। तो क्या मुझसे ये सब सहन होता है? हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? नानी होती तो वो ही कुछ कर पाती, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, वो तो कमरे में है। उन्हें ये सब बता के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, बुरा मत मानना, तू क्यों कुछ नहीं बोलती? हाँ, बोल के क्या फायदा होगा? हाँ, बाद में सारा दोष मुझ पर आ जाएगा। पिताजी अपने बहू के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, और भैया, हाँ, भैया को उसने एकदम मोहित कर रखा है। छोटे दामाद का कितना अपमान किया था उसने, मैंने सब देखा है। अब आप ही बताइए, हाँ, उस लड़की को धक्के मार कर निकाल देना चाहिए था। हाँ, उल्टा उसे इस घर में इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। हाँ, ऊपर से उससे हंस हंस के बात करनी पड़ती है, हद हो गई है। आपको और क्या बताऊँ, मेरे पति को और कितना अपमानित होना पड़ा था। हाँ, उसके बाद भी उन्होंने मुझे अपनी शरण में रखा, यही भगवान की कृपा है। सही कहा तुमने छोटी बिटिया। राम रतन बाबू, अरे ओ राम रतन बाबू, कहाँ हैं आप? अरे बाहर आइए, कहाँ हैं आप? कौन है आप और क्या चाहिए, और आप लोग अंदर कैसे हैं? मैं कौन हूँ ये थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जाइए, छोटे दामाद जी को बुला के लाइए। क्यों, उनके पास आपका क्या काम है? उसने मुझसे रुपए लिए हैं। लेकिन लड़की छोड़िए, आप जाइए, उनको बुलाइए तो सही, जाइए। ठीक है, बुलाता हूँ, आप यहाँ इंतजार कीजिए। मुनीम जी, यहाँ इतना शोर क्यों है?
और क्या कर सकते हैं? जाइए, आप जाके छोटे जीजाजी को खबर दीजिए। और हाँ, ये बात पिताजी के कान में नहीं जानी चाहिए, और इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए। मुझे तो लगता है कि छोटे जीजाजी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। देखो तो, ये देखो, वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो बहू, एकदम माँ लक्ष्मी की तरह। सुनो छोटी बहू, अभी जो भी बात कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। सबको प्रणाम ही देकर उसके बाद प्रणाम करना। तुम तो इस परिवार में सबसे छोटी हो ना, इसीलिए, ठीक है? और घर की नौकरों को पैसे देना, कपड़े हाथ में देकर उनको ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना, ठीक है? देखना बहू, किसी को कुछ बुरा ना लगे। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारा मान रखने के लिए ऐसा फैसला लिया है छोटी बहू। माफ कीजिए माँ, आपसे एक बात कहनी थी। आपके सामने ये बात करना मेरे लिए गलत होगा, फिर भी मैं कह रही थी कि ये रस्म सब लोग खुशी से तो करेंगे ना। सब लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बड़ी बहू बस, ये तुम्हारे ससुर जी का फैसला है, उनके फैसले के ऊपर इस परिवार का कोई इंसान कुछ नहीं कहता है। ये शायद तुम भूल रही हो बड़ी बहू। माँ, मुझसे भूल हो गई। ऐसी भूल आजकल तुम अक्सर करती आ रही हो बड़ी बहू, जिसके लिए कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें सतर्क भी किया था। ऐसी भूल फिर नहीं होगी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं बोलूंगी। दीदी, ओ दीदी, आप मत जाइए, रुकिए ना। दीदी, आप जाइए मत, रुकिए। तुम्हारा वृंदावन जाना शायद और रुका नहीं जा सकता बड़ी बहू। छोटी बहू किसी दिन सबको इस घर से निकाल देगी। पिताजी की तरह माँ भी आजकल इस छोटी बहू को बहुत बढ़ावा दे रही है। तू रुक, अभी देखती हूँ कहाँ का पानी कहाँ जाकर रुकता है। अब सिर्फ दिमाग ठंडा रख के देखती जा छोटी बिटिया, बुरा मत मानना। छोटी बहू, बड़ी बहू को तुम जाने दो। सुनो छोटी बहू, जो काम तुम करने जा रही हो उसमें तुम ध्यान दो। तुम्हारी ससुर जी का सम्मान तुम कायम रखना। इस परिवार के कई लोग आजकल कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, उनके फैसले के ऊपर किसी की बात, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, आप दिमाग शांत करके मेरी बात सुनिए। दीदी ने एक तरह से अच्छी बात ही कही है। ठीक है, पिताजी ने तो कहा है, पर इससे अगर सब लोग नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, खास करके छोटी ननद जी और दामाद जी, तो देखा छोटी चाची आपने, हाँ, कैसे आग लगा रही है, कैसे उनके और मेरे नाम से माँ के कान भर रही है। पिताजी इस छोटी बहू के अंदर कौन सी लक्ष्मी जी का रूप देखते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता है। समझा है मुझे? तुमने मुझे क्या बुद्धू समझा है? हाँ,
रुपया जब लिया है तुमने तो वो लड़की मुझे चाहिए ही बस। अरे धीमे धीमे, ये सब बातें ऊंची आवाज में नहीं करनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं करूंगा? अरे, अरे सुनो, जब वो लड़की यहाँ से भाग गई है तो मेरा रुपया वापस करो अभी। अरे लड़की भाग गई तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? उस लड़की को तुम लोगों ने छुपा के रखा है, सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। आप... या तो लड़की दे दो, नहीं तो रुपया। अच्छा ठीक है, तुलसी बाला को मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा और नहीं तो तुम्हारे रुपये वापस कर दूंगा। लेकिन लेकिन अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय? समय ठीक है, दिया दिया मैंने समय, 10 दिन। 10 दिन का समय दिया और नहीं। तुम तो मुझे जानते हो, है ना? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आज क्या हुआ है पता है? पिताजी ने कहा है। मैं क्या कह रही हूँ, पिताजी ने तय किया है कि वो लोग छोटी बहू के हाथों से परिवार के सारे लोगों को प्रणामी दिलाएंगे, जिसको जो चाहिए वो ही मिलेगा। क्या कहा? जिसको जो चाहिए। और क्या बोल रही हूँ, इसीलिए छोटी बहू को बहुत घमंड है, ऊपर से वो कान भी भर रही है। पता है वो माँ से कह रही थी कि मैं और आप खुशी से प्रणामी ग्रहण नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है बताइए ना? माँ के मन में जहर भर रही है, मैं सच कह रही हूँ ना? अंदर के आंगन में सब लोग जमा हुए हैं ना? हाँ बहू रानी। जिसको जो चाहिए पिताजी छोटी बहू के हाथों से वही दिलाएंगे। वो देगी और मैं लूंगी। आपका जिसने अपमान किया था उसके हाथ से प्रणामी लेने की इच्छा मुझे नहीं है। ये सब चीजें मुझसे सहन नहीं होती हैं। ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते विश्वमाई, इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। तुम्हें जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम अपनी माँ के पास जाके कहोगी कि मुझे एक तालुका और 2 महल चाहिए, वरना हम दोनों उस रसम में नहीं जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात मैं माँ से जाके कहूंगी? कहोगी कहोगी विश्वमई, इस मौके में जितनी ज्यादा हो सके उतनी संपत्ति हमें हासिल करनी ही होगी। लेकिन छोटी बहू ने जो आपका अपमान किया था उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे? चुप, बिल्कुल चुप। कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक नारी होकर इतनी बात क्यों करती हो तुम? हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, जाओ। क्या राज रानी रश्मनी के दान पर्व का पहला पर्व निपट चुका है? तुम अपनी माँ के पास जाके कहोगी कि मुझे एक तालुका और 2 महल चाहिए, इस मौके में जितनी ज्यादा हो सके उतनी संपत्ति हमें हासिल करनी ही होगी। क्या हुआ
क्या सोच रही है मेरी रानी? करुणामयी रानी रश्मनी, अभी मेहरबानी करके चलिए दूसरे पर्व का काम संपन्न करने। आप जिसे जैसी प्रणामी देंगे वो सारी तैयार रहेंगी। छोटे दामाद जी को क्या मुझे ही प्रणामी देनी होगी? अचानक ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो रानी? उधर छोटे जीजाजी ने पिताजी से कहा है कि उनको एक तालुका और दो महल देने पड़ेंगे। पिताजी भी राजी हो चुके हैं। राजी नहीं होंगे तो और क्या करेंगे बताओ? उनकी छोटी बहू के मान सम्मान की बात है, उनको मना तो नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं क्यों बोल रही हो रानी? नहीं, वो सब तालुका महल आप कुछ नहीं देंगे। ये सब तुम क्या कह रही हो रानी? ये सब ना तुम दे रही हो और ना मैं, पिताजी दे रहे हैं। और मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो पिताजी की मर्जी से ही कर रहा हूँ। आप पिताजी से कहिए कि वो ये गलती ना करे। मैं उनको जो प्रणामी दूंगी वो क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? ऐसे क्यों कह रही हो रानी? इससे पहले तुम्हें संपत्ति के बारे में बात करते हुए नहीं सुना मैंने? इसके अलावा महल क्या है, तालुका क्या है, ये सब तो तुम्हें कुछ नहीं पता ना? सच सच बताओ रानी, आखिर बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, छोटे दामाद जी को वो सब तालुका महल देने में। डर? किस बात का डर रानी? अपनी आंखों से देखा है मैंने सरोजा चाची की कहानी। उनकी बहुत जमीन जायदाद थी और उनका दामाद अक्सर आया करता था, बहुत कुछ लेकर जाता था। उनकी एक ही बेटी थी, वो किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी, सब कुछ दे देती थी। और उसके बाद वो दामाद सब कुछ अपने नाम पर करके उन्हें रास्ते पर ले आया था। तुम उस चाची के दामाद के साथ हमारे दामाद की तुलना कर रही हो? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना। वो कह रहे थे छोटी ननद जी से, इस मौके में जितनी ज्यादा हो सके उतनी संपत्ति हमें हासिल करनी ही होगी। आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? पहले से ही सतर्क रहना उचित नहीं है क्या? दान पत्र ठीक से तैयार तो हुआ है ना मुने? जी हाँ मालिक, एकदम पक्का बंदोबस्त है, आपने कहा था वैसा ही। पता है मुनिम, हमारे छोटे दामाद को छोटी बहू के लिए एक गलत भावना उत्पन्न हुई है, अब इसके बाद तो सही हो जाएगी, क्या कहते हो? मैं क्या बताऊं मालिक, आप खुद समझदार है, सब सही होगा। देखो मित्र, ये सब तालुका, ये महल, वैसे भी मैं उस राम रतन को ही देने वाला था, लेकिन उसने अपने मुंह से मांगा है, मेरी माँ लक्ष्मी के हाथों से दान लेने के लिए वो राजी हो चुका है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है। क्या बात है, इस दान के विषय में तुम्हारी कोई राय नहीं? नहीं, मतलब मैं और क्या बता सकता हूँ, जब आपने ये फैसला ले ही लिया है तो क्या बोलूं? तो क्या तुम नहीं चाहते मैं ऐसा करूं? नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। मतलब तुम क्या कह रहे हो पता है तुम्हें? पता है पिताजी, मैं सब कुछ जान के ही बोल रहा हूँ। छोटे जीजाजी जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं और उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तालुका और महल मांगे हैं। पिताजी, अगर आप छोटे जीजाजी को तालुका और महल लिख के देंगे तो शायद हो सकता है कि वो उन्हें बेच दें। क्या हमें इन सब का बार बार समर्थन करना चाहिए? मैं भी यही बात बताना चाहता था मालिक, मेरे सामने ही एक सेठ जी घर में आकर धमका के गए थे। मैं कौन हूँ ये थोड़ी देर में समझ जाएंगे, जाइए छोटे दामाद जी को।